हेलो एवरीवन, आई एम रूपाली एंड वेलकम बैक टू रूपालीज किचन। आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज ईद स्पेशल में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ शीर खुरमा की रेसिपी। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आती तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें आगे आने वाली डिलीशियस रेसिपीज़ के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर हिट कर देना, जिससे जब भी मैं अपनी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए हमारी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए हम लेंगे काजू, जिन्हें हमने रात को भिगा लिया था और इन्हें स्लाइस कर लिया है। उसी तरह हमने बादाम को भी स्लाइस कर लिया है। ये हमने ली है सेवई, जिन्हें थोड़ा क्रश कर लिया है। अब हम लेंगे चिरौंजी, जिन्हें भी हमने भिगा लिया था। ये है किशमिश और पिस्ता, पिस्ता को भी हमने पानी में भिगो लिया था। कंडेंस मिल्क और घी फ्राइंग के लिए, इलायची पाउडर और केवड़ा मटर, शुगर आप अपने टेस्ट के अनुसार ले लें, खजूर जिनको हमने भिगाकर स्लाइस कर लिया है, मिल्क। सबसे पहले एक पैन में हम मिल्क ऐड करेंगे। इसमें एक अच्छा उबाल आने देंगे। जब तक हमारा मिल्क उबल रहा है तब तक हम एक पैन में घी ऐड करेंगे। सबसे पहले इस पैन में हम किशमिश को ऐड करेंगे, उन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। किशमिश को फ्राई करके मैंने अलग से निकाल लिया है। अब उसी में हम अपने स्लाइस किए हुए खजूर ऐड करेंगे और इन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इन्हें भी फ्राई करके अलग से निकाल लें। अब उसी घी में हम अपने बाकी के बचे हुए सारे नट्स को ऐड कर लेंगे और उन्हें भी फ्राई कर लेंगे। नट्स को भी फ्राई करके अलग से निकाल लें। अब उसी घी में हम अपनी सेवइयां ऐड करके इन्हें भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हम अपनी सेवई को फ्राई करके अलग से निकाल लेंगे। मिल्क के बॉईल हो जाने पर अब हम इसमें फ्राई किए हुए नट्स ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिला लें। अब इसमें हम अपनी सेवई ऐड कर देंगे। उबाल आ जाने पर अब हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। इन सबको अच्छे से मिला लें। अब हम इसमें इलायची पाउडर और केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अब लास्ट में हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे केसर। लीजिए, हमारा शीर खुरमा बनके तैयार है और हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे लेड लगाकर ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे कटे हुए काजू, बादाम, पिस्ता, रोज बटन और केसर के साथ।
आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।